सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के नेविगेशन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे आप नेविगेशन बटन्स को चेंज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड के एक ही नेविगेशन बटन्स को हम यूज करते करते बोर हो जाते हैं, हमें कुछ नया चाहिए होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको नेविगेशन बटन्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। अब आप बहुत ही आसानी से एंड्रॉयड के नेविगेशन बटन्स को चेंज कर सकते हो, एंड्रॉयड की जगह पर आप iOS के यानी आईफोन के बटन्स को अप्लाई कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। यानी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन की तरह यूज कर सकते हो। इसके साथ में आपको और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलेंगे, चाहे आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस। दोस्तों आप सभी के नेविगेशन बटन्स को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में जो बैक बटन होता है वो राइट साइड में होता है, ठीक है, आप उसको लेफ्ट में कर सकते हो, लेफ्ट में रिसेंट होता है आप उसको राइट में कर सकते हो। यानी आप पूरी तरह से नेविगेशन बटन्स को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और कई जगह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के नेविगेशन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में हमें जो नेविगेशन बटन मिलता है, हमें राइट साइड में बैक का ऑप्शन मिलता है, लेफ़्ट साइड में रिसेंट का और बीच में होम का। तो दोस्तों अब आप इसको चेंज कर सकते हो, इसकी जगह पर आप iOS के बटन्स को अप्लाई कर सकते हो, यानी आप स्वाइप अप जिस्टर्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपली आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स, आपको इस पर टैप करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ से अपने फ़ोन के नेविगेशन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बटन को हाइड करना चाहते हो, iOS के बटन को अप्लाई करना चाहते हो, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नंबर पर स्वाइप अप जिस्टर्स फ्रॉम बोथ साइड, आपको इस पर टिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके फ़ोन में iOS के बटन्स अप्लाई हो जाएंगे, आप यहाँ पर स्क्रीन पर लेफ्ट में राइट में स्वाइप अप करके बैक कर सकते हो, और यहाँ पर नीचे बीच में जहाँ पर होम था वहाँ पर स्वाइप अप करके होम कर सकते हो, ठीक है, यानी होम पर जा सकते हो। जैसे अगर आपको बैक करना है, आपको लेफ्ट या राइट साइड में स्वाइप अप करना है, आप ऑटोमेटिक बैक हो जाओगे। इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन को स्वाइप अप करके यूज कर सकते हो। अगर आपको होम करना है तो आपको बीच से स्वाइप अप करना है, ठीक है, आपका फ़ोन, आपका जो फ़ोन है वो होम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी सेटिंग्स मिलेंगे, जैसे आपको फिर से कन्वीनियंस टूल्स में जाना है, नेविगेशन पर टैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्चुअल बटन का ऑप्शन मिलेगा जो ऑलरेडी हमारे फ़ोन में इनेबल रहता है, ठीक है। अगर आप इसको इनेबल करोगे तो दोस्तों आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जो हमें बैक बटन मिलता है, जो बैक बटन हमें राइट में मिलता है, आप उसको लेफ्ट में कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो उल्टा हो चुका है, यानी अपोजिट हो चुका है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में बैक हो चुका है और राइट साइड में रिसेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हो, जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मोर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्वाइप अप जिस्टर्स, ठीक है, आपको इस पर टिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर स्वाइप अप करके अपने फ़ोन को यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि आखिर आपको अपने फ़ोन को चलाना कैसे है। आपको सिंपली दोनों साइड में जहाँ पर हमें वर्चुअल बटन्स मिलते थे, जहाँ पर बैक का ऑप्शन मिलता था, रिसेंट का मिलता था, आप वहाँ पर स्वाइप अप यानी ऊपर साइड स्वाइप करके बैक कर सकते हो, ठीक है, दोनों साइड में आपको बैक मिलेगा। दोस्तों आप लॉन्ग स्वाइप अप करके रिसेंट मेन्यू को ओपन कर सकते हो, बीच में आपको लॉन्ग स्वाइप अप करना है, ठीक है, आपका फ़ोन रिसेंट मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह गाइस आप इस फीचर को यूज कर सकते हो, आप इस स्वाइप अप फीचर को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे, कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलेंगे जिसको आप अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हो, ओके। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को स्वाइप अप जिस्टर अच्छा लगता है या वर्चुअल बटन्स अच्छे लगते हैं।
तो दोस्तों इस तरह आप अपने फ़ोन के नेविगेशन बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।